मध्य प्रदेश, हाँ मध्य मीन्स ऑलरेडी होता है, मध्य मीन्स बीच में, सेंटर, मिडिल स्टेट। हाँ मिडिल स्टेट। अब मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है, पहले आप लिख लीजिए, मध्य प्रदेश की कैपिटल जो है भोपाल है। पहले जो है चूंकि छत्तीसगढ़ भी इसी के साथ शामिल था, तो ये स्टेट जो थी बहुत बड़ी थी, इसका एरिया सबसे ज्यादा था, तो एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश कहा जाता था, ठीक है। लेकिन अब हाँ, बाइफर्केशन हो गया, इसमें से छोटा सा पोर्शन काट के ये जो है झुंझुनू की तरह जो निकाल छत्तीसगढ़। लिया, ये छत्तीसगढ़ निकाल लिया है, तो एक ही स्टेट को दो में बांट दिया गया है, तो इसलिए इसका एरिया कम हो गया। तो अब ये एजाज जो है इसके पास नहीं, जो एजाज कभी मध्य प्रदेश के पास होता था वो अब राजस्थान के पास चला गया है। तो राजस्थान है ये, हाँ, तो आज की सुना डेट में अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट स्टेट भाई एरिया वाइज कौन सी है, तो राजस्थान है, और कुछ साल पहले तक जो थी वो ये थी। अब मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में तीन स्टेट्स का विभाजन हुआ है या डिवीजन हुआ है, उसमें से एक मध्य प्रदेश है, जिसमें से एक मध्य काट करके प्रदेश। बनाया छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद यस उत्तर प्रदेश को काटा गया, उससे जो है वो उत्तराखंड बनी है, ठीक है। उत्तराखंड अलग हो यस, गई, ये हो गई, और उसके बाद एक जो थी झारखंड, बिहार में से काटा गया हाँ है, बिहार और झारखंड। झारखंड। अब मैंने एक हाँ, चीज़ और बताई थी इसमें कि चौथा होने हाँ, वाला है। चौथा होने वाला है। मैं एक चीज़ और बताई थी कि 2000 जो था वो सन है दो नौ दो मई, हजार हाँ 2000, ठीक है, 1 नवंबर और 13 नवंबर। नहीं एक था, 9 था और 15 था। 1 नवंबर को एक स्टेट जो है वो डिवाइड होती है, 1 नवंबर को जो स्टेट बनी थी 1/11 को वो थी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन सी थी? 1 नवंबर हाँ नहीं, और नौ एक मिनट एक नवंबर मिनट, छत्तीसगढ़ यानी ये मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले याद रखो ये कि छत्तीसगढ़ जो थी ये बनी थी 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, सेंट्रल स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो है वो 9 को जो है वो विभाजन हुआ था या डिवीजन हुआ था उत्तर प्रदेश का, और उसमें से जो स्टेट बनी थी वो थी देहरादून, ये सॉरी झारखंड, जिसकी कैपिटल जो है वो उत्तराखंड है, जिसकी कैपिटल जो है वो देहरादून है। यानी यूपी का विभाजन हुआ या डिवीजन हुआ, उसमें से एक हिस्सा जो बना वो उत्तराखंड हो गया, दूसरा उत्तर प्रदेश रहा, उत्तराखंड की कैपिटल जो है वो देहरादून थी। इसकी डेट ऑफ यानी इसकी पैदाइश की डेट जो है वो 9/11 है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड बनी, ये है 15 को। तो 2000 का साल जो है वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि एक ही साल में एक ही महीने में तीन स्टेट जो है वो नई पैदा हुई हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख 9 तारीख और 15, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, 1 तारीख है 9 तारीख है और जो है वो 15 तारीख है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोई पूछ लिया कि अगर 2000 सन 2000 में और नवंबर का महीना था, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, तो आप कह सकते हो कि तीन स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो चेंज हुई है या नई स्टेट जो है वो पैदा हुई हैं। तो इसके बारे में ये है, भोपाल के बारे में थी, कैपिटल जो है वो मध्य प्रदेश है, सेंट्रल स्टेट है, लैंड लॉक स्टेट है, कि भाई यहाँ जो है बाउंड्री पानी से नहीं टच करती है, कहीं पानी जो है टच नहीं कर रहा है, और बड़ी है काफ़ी। अब यहाँ जब पहले कभी गरीब थी, लेकिन अब जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, और जो है यहाँ भी जो है कोला और दूसरी चीज़ें मादनियात काफ़ी तादाद में मिलती हैं, वो स्टेट वाइज जब बताएंगे तो बताएंगे। अभी तो आप इतना याद कर लो कि इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है, और इसकी बाउंड्री जो है यस, कितने से मिलती है। आप अगर देखेंगे तो नंबर एक नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, ठीक है, ईस्ट में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। साउथ में महाराष्ट्र, तीन हो गई, वेस्ट में गुजरात, ईस्ट में थोड़ा सा साउथ ईस्ट में योग या राजस्थान। तो 1 2 3 4 5 से इसकी बाउंड्री 5 से अब टच करती है। पहले कभी 78 में 79 में इसकी बाउंड्री टच करती थी 7 स्टेट से। तो ये सवाल हमने खुद फेस किया था कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री कितनी स्टेट से जो है टच करती है, तो जवाब यस, में जो तो पांच। चॉइस चॉइस थी आज की डेट में 5 है, पहले चॉइस थी 7 9 11 कुछ ऐसी था, लेकिन हमारा सवाल भी गलत हो गया था। तो अब हम नहीं चाहते कि जो गलतियाँ हमसे हमसे हुई हैं वो हमारे आने वाली जनरेशन उन गलतियों को दोहराए या उन गलतियों को करे। तो ओके सर, आज की डेट में जो है वो 5 हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको कि ज्योग्राफी अगर पढ़नी है, स्टेट को याद करना है, तो आप मैप अपने सामने रखिए, क्योंकि मैप में आपको याद हो जाएगा। आपके दिमाग में मैप आया, अच्छी तरह से मैप होगा, तो आपने इम्तहान में आंखें बंद की, अल्लाह मेरे को याद किया या अल्लाह मेरी तरफ ध्यान लगाया, और देख लिया कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ठीक है ना। तो गलती नहीं होगी, और अगर ये नहीं रखेंगे तो बार बार पढ़ोगे, बार बार भूल जाओगे। तो अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है या तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो आपको जो है वो मैप
पे मास्टरी करनी ही पड़ेगी। आपने कभी जो है, आपने जो लोग वहां मौजूद हैं उन्होंने केबीसी प्रोग्राम जो अमिताभ बच्चन का होता है वो देखा है कि नहीं देखा? देखा था ना। सर। हाँ, तो उसमें ये इसी टाइप के सवाल पूछते थे कि इस स्टेट में क्या है, उसमें क्या है, वो किससे मिल रहा है, वो क्या होता था। तो उसमें एक सरदारनी भी जो है 5 करोड़ रुपए जीत के ले गई, और एक मुसलमान मोहतरमा भी जो 1 करोड़ ले गई है। जी एक जी जी सर। है ना, 1 करोड़ रुपया अगर आपको मिल जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा अरे लगे। सर, सर हाँ सर बोलिए। मेरे एक क्वेश्चन था सर, ये एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है? आज की डेट में राजस्थान है। राजस्थान। हाँ जी, और सेकंड पर? ये तो अब देखना पड़ेगा सेकंड का जो है वो निकल। नहीं, यूपी यूपी का नंबर कौन सा आता है? यूपी का नंबर जो है वो यार चेक करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से जो है ना सेकंड नंबर शायद महाराष्ट्र का हो सकता है, या आंध्रा का होगा। आंध्रा का होगा, जब तक ये डिवीजन नहीं होता आंध्रा का होगा। अब ये अच्छा, जो है ना, थैंक यू ये फिगर जो है, ये किताबें जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो है ना फिगर कभी कभी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब जब ये जी आंध्र प्रदेश भी कट जाएगा इसमें से जाया जाएगा, तो ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। जी तो आज की डेट में सबसे बड़ा राजस्थान, और नंबर 2 जो है मेरे ख्याल से अब आंध्र प्रदेश है, आई थिंक। कंफर्म नहीं है लेकिन आई थिंक, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, तो मध्य यस प्रदेश हो सर। गया। अब हम आगे चलते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र है वो फिर वेस्टर्न साइड पे आ गई। यहाँ जो है समुद्र जो टच करेगा वो अरेबियन सी करेगा, इसकी बाउंड्री जो है वो, अच्छा ये जो है नीरा हो गया, ये है। तो इसके इसे अगर देखें, इसकी कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई। हाँ, पहले कभी बम्बई कहते थे, अब मुंबई कहते हैं उसे। ये रहा, यानी ये रहा बिल्कुल एकदम। तो कैपिटल जो है वो ये हो गई है। अच्छा, इसकी बाउंड्री जो है नॉर्थ में देखो मध्य प्रदेश, ईस्ट में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, से छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ है उसके जो है, जी। ये साउथ ईस्ट में आ जाएगा, ये आंध्र प्रदेश आंध्र है, 3 आ जाएगा, आंध्र से मिल रही है 4 में ये आ गया, 4 आ गया, ठीक है, कर्नाटक से ठीक है ना। उसके बाद ये गांधीनगर आ गया, 5 हो गया, और जी। राजस्थान 6, 6 हो गई, कितने 5 हो गई, छः, एक नहीं, राजस्थान से नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 से इसकी बाउंड्री भी, पाँच पाँच। जैसे मतलब। और सर, हाँ बोलो। सर ये दादानगर हवेली है, ये इससे दादानगर हवेली जो है, दादानगर हवेली वो गुजरात का पोर्शन है, इसका अपना नहीं है, नहीं तो अच्छा, वो यूनियन उससे टेरिटरी है। टच होती है। हाँ, वो गुजरात का पोर्शन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है ये मशहूर गाय के लिए, बॉम्बे आपको मशहूर होगा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, फिल्म ठीक है, फिल्म जी इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। उसके अलावा ये जो है कमर्शियल सिटी कहलाता है, या कमर्शियल स्टेट भी है। यहाँ भी इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, और यहाँ के जो एरिया हैं, यहाँ कभी किसी ज़माने में, यहाँ अभी भी जो है वो उसका ज़्यादा जोर शोर है। आपके शिवसेना का जो है ज़्यादा, शिवसेना का ज़्यादा जोर शोर है, और मराठों का जमाना, मराठों का एरिया रहा है कभी वहाँ, ठीक है ना। यस सर वहाँ के शहरों जी। के नाम, आज वहाँ के शहरों के नाम जो है ना वो कई एक है, जैसे पुणे है, पुणे वहाँ जी पे है। उसके बाद और जो है और भी कई शहर हैं, अभी तो आप इतना याद रख लो कि इसकी कैपिटल जो है जी वो बम्बई है, जी ठीक है ना। और डेवलप स्टेट में इसका नाम आता है, ठीक है यस ना। सर जी। और ये सारे फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कुछ आता हो नहीं आता हो, लेकिन फिल्म सितारे आपको याद होंगे, सलमान खान, आमिर खान, और ये सारी हीरोइनें सभी इधर ही रहती हैं बॉम्बे में, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद फिर हम चलते हैं, आगे आता है मणिपुर। तो मणिपुर देखने के लिए फिर हमें जो है नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो ये पोर्शन है, जरा इसे बड़ा कर दोगे, तो ये हो सकता है मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ मणिपुर, ठीक है। मणिपुर जो है छोटा सा, ये टॉफी समझ लो या कुछ भी समझ लो, इस तरह का ये लटका हुआ है। इसकी कैपिटल जो है वो इम्फाल है, IMPHAL, इम्फाल। नॉर्थ ईस्ट में से अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो किसी स्टेट का कैपिटल पूछेगा। इन स्टेट में क्या खास बात है, ये स्टेट जो है वो सीधे जमीनी रास्ते नहीं है, यहाँ जो है पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जो है घाटियाँ हैं, यहाँ इसलिए जो है वो खेती वगैरह जो है वो बड़े पैमाने पर नहीं होती है, छोटी छोटी होती है। चावल की खेती हो गई, थोड़ी इधर हो गई, यहाँ चूंकि इंडस्ट्री नहीं डेवलप है, तो यहाँ की जो इंडस्ट्री बेस्ड है वो फॉरेस्ट बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ बांस होता है, तो बांस की टोकरियाँ बनती हैं, बांस की चिके बनेंगी, बांस की जो है डलियाँ बनेंगी, ठीक है। और हैंडीक्राफ्ट का काम थोड़ा बहुत होता है, तो इसमें से यहाँ वैसे ट्राइब्स भी होते हैं, एक दिन मैं पढ़ाऊंगा तो ट्राइब्स ट्राइब का जिक्र भी करूंगा। तो मणिपुर की कैपिटल जो है वो इम्फाल है, ये याद रख लो आप, मणिपुर की कैपिटल क्या हो गई, इम्फाल, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेघालय। मेघालय जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट की वो है, एक पोर्शन है, ये पतला था। मेघालय की कैपिटल जो है आप लिख लो पहले शिलोंग, SCHILLONG, शिलोंग। मेघालय जो है
ये भी नॉर्थ ईस्ट में मिलती है, इसकी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश से मिल रही है, उसके बाद इधर आसाम से मिल रही है, और जो है बांग्लादेश से ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। इसकी कैपिटल ये शिलोंग है। आप इसे याद कर लो कि एक छोटा सा, मतलब जैसे कि एक आप ये समझ लो छोटा सा जो है वो रेक्टेंगल रखा है, ठीक है। इसकी भी वही है कि ये भी जो है पहाड़ी एरिया है, लेकिन जो है मेघालय थोड़ी सी खूबसूरत जगह है, क्योंकि वहाँ नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो है वो एलटीसी के लिए पैसे देती है कि आप वहाँ घूम के आओ मेघालय वगैरह में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को प्रमोट करती है गवर्नमेंट। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन जो है कभी मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊँगा घूमने के लिए, ठीक है। मेघालय, तो मेघालय की बाउंड्री जो है किससे मिली है, ज़्यादा से नहीं मिलती है, ये आसाम है इससे मिल रही है, और इधर बांग्लादेश से मिल रही है। हुआ क्या था, ये जब तक बांग्लादेश नहीं बना था तो पाकिस्तान से टच करती थी, उसे ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, लेकिन आज की डेट में बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की बाउंड्री टच करती है, यानी सारा का सारा बांग्लादेश जो है इसके साउथ में है, ईस्ट में ये आसाम से टच कर रहा है, ठीक है। याद रहेगा भाई आपको? याद नहीं रहेगा तो आपको करना पड़ेगा, अगर नौकरी करनी है तो, नौकरी हासिल करनी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद मेघालय, मेघालय के बाद चलते हैं फिर है मिजोरम। मिजोरम जो है वो ये रहा, अगर हम इसे देखें तो ये एक इस तरह से ये लट्टू की शक्ल में है ये। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, बांग्लादेश कब कब बना था? 1967 में क्या? नो, 1971 1971, 71 में, 1971 में बना था ये। ओके 71 में वार हुई थी बकायदा हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेशियों को जो है। तो मिजोरम की कैपिटल जो है वो भाई साहब है एजवाल, ए आई, मिजोरम की एजवाल। हाँ ए आई जेड डब्ल्यू ए एल, एजवाल। आप लोग अगर अपने घरों में नक्शे लगा लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं स्पेलिंग नहीं भी बोलूंगा, आपने पढ़ रखा है तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये जो है ये समझ लो कि ये लट्टू की तरह जो है लटक रहा है ये, ठीक है। ये कहाँ से मिल रही है इसकी वो बाउंड्री? नंबर एक मणिपुर से मिल रही है, नंबर दो आसाम से मिल रही है, नंबर तीन जो है वो त्रिपुरा से मिल रही है। तो तीन जगह से इसकी बाउंड्री जो है वो मिल रही है, ठीक है। मणिपुर से मिली, आसाम से मिली, और तुम्हारे जो है त्रिपुरा से, त्रिपुरा से ठीक है मिली। ना। और इधर ईस्टर्न साइड में जाओगे तो म्यांमार यानी बर्मा आ गया, ये दूसरा कंट्री है, हिंदुस्तान का नहीं है हिस्सा, ठीक है। तो आप जो है वो इन्हें ये ध्यान रखे चलो कि किसकी बाउंड्री किससे मिल रही है, कौन नीचे है कौन ऊपर है। इम्तिहान में अगर वो आ जाएगा कि एक जो है वो स्टेट बताओ जो कि बिल्कुल साउथ में है, यानी उसकी बाउंड्री या किसी दूसरी कंट्री से मिल रही है, तो अब वहाँ बहुत सारे चॉइस दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ये भी दे देगा, ठीक है ना। लेकिन उसने कुछ ऐसा दे दिया कि उसका नतीजा ये होगा कि वो कहेगा कि भाई म्यांमार से मिल रही है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो जो है मिजोरम है, मिजोरम की कैपिटल जो है ऐजवाल है, ठीक है। ये छोटे छोटे स्टेट्स हैं, सात हैं, इसलिए इन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है, ठीक है। क्या सर, ये आखिरी वाली बात समझ नहीं आई। इन्हें सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं ना, ये ग्रुप है सेवन स्टेट्स का, मैंने उस दिन भी बताया था। ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, हाँ, ये सेवन सिस्टर्स, है आसाम ये है, मेघालय है, इन सबके ग्रुप को जो है वो सेवन सिस्टर्स भी कहा हाँ जाता है। बहुत, यस सर, आ गया ठीक है समझ में, आ ना। गया। हाँ बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे अल्फाज होंगे जो हमें बार बार रिपीट करने पड़ते हैं, बगैर रिपीटेशन के काम नहीं चलता, ठीक है ना। तो आपको ओके ओके आपको फेमिलियर हो जाना चाहिए उन अल्फाज से, उस टर्मिनोलॉजी से, उन मतलब महावरों से, ठीक है। ओके तो ये तुम्हारा हो गया मिजोरम, मिजोरम की हो गई ऐजवाल। ये भी चूंकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ भी जो है इंडस्ट्री जो है वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं होगी, छोटी मोटी इंडस्ट्री होगी, कॉटेज इंडस्ट्री। छोटी मोटी इंडस्ट्री को कॉटेज इंडस्ट्री भी बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, COTTAGE, कॉटेज इंडस्ट्री आई है, या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो कि डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। अब जो है बम्बू, बम्बू कहते हैं बांस को, बांस जो है ये भी प्लांट प्रोडक्ट है, इसके दरख्त जो है वो मतलब जमीन में से ही निकलते हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे बांस बन जाते हैं, ठीक है। तो बम्बू इंडस्ट्री कहते हैं, बांस की जो है टोकरियाँ बनती हैं, निवाल के पलंग, सॉरी ये आपके बांस बनते हैं, पलंग बनते हैं, इनकी ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नागालैंड। नागालैंड जो है वो अगर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे आप तो ये मणिपुर के ऊपर होगा, यानी तीन स्टेट जो है एक दूसरे के नीचे हैं। नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है, मणिपुर के नीचे जो है वो मिजोरम है, या ये समझ सकते हो कि ये जो है आपका नागालैंड ये है। हाँ
और नागालैंड की कैपिटल जो है वो है कोहिमा। कोहिमा कोहिमा जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में है। इसे अगर आप जो है वो देखेंगे कि इसकी बाउंड्री किस किस से मिल रही है तो बताइए। मणिपुर मणिपुर से चलिए ठीक है नीचे मिल रही है। उसके बाद आसाम से मिल रही है, वेरी गुड। और अरुणाचल प्रदेश, हाँ तीन से इसकी बाउंड्री जो है मिल रही है। तो जब तक आप अपने जहन पे जोर नहीं डालोगे कि इसकी बाउंड्री से मिल रही है आपको याद नहीं रहेगा। जो इसके जो है राइट साइड में यानी ईस्टर्न साइड में कोई चीज़ नहीं है वो बर्मा आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे है सारा हिंदुस्तान और तीन स्टेट से बाउंड्रीज की टच कर रही है। ठीक है,